स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एक किस्सा सुनाने आया हूं। व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो चलाने की घोषणा मैंने सुबह की थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक कमेंट आया तो हंसी निकल गई मेरी। एक्चुअली वो कमेंट पढ़ के मैं बाद में बताता हूं कि वो कमेंट क्या है और एक्चुअली क्या किस्सा है। पहले किस्सा सुनिए। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। वो कहानी यूं थी कि एक लड़का था जो पढ़ लिख कर हो गया था जवान, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। ये बहुत पुरानी कहानी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। आजकल के लोगों ने ये कहानी लगभग नहीं सुनी। तो चलिए मैं किस्से पे आता हूं। लड़का जवान हो गया था, बड़ा हो गया था, काम धंधा उसको करना चाहिए था, लेकिन वो काम धंधा कुछ कर नहीं रहा था। और पिताजी परेशान रहते थे कि ये काम धंधा कब करेगा, अपने पैरों पे कब खड़ा होगा। तो उसको बोलते थे कि कुछ काम धंधा करो, तुम कुछ काम खोजो, लेकिन वो थोड़ा आलसी प्रकृति का था, इस वजह से काम धंधा करने की नहीं सोचता। आखिर में पिता ने थोड़ा कठोर होने का निर्णय लिया। अक्सर संतान की भलाई के लिए माता पिता को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जो व्यक्ति तौर पे बच्चों को बुरे लगते हैं, लेकिन भविष्य में कालांतर में जाके उनके लिए फायदेमंद होते हैं। तो पिता ने कठोर निर्णय ये लिया कि उसको, लड़के को फरमान सुना दिया कि आज अगर तुम कुछ इनकम करके नहीं लाओगे, यानी कुछ कमा के अगर नहीं लाओगे, तो रात का भोजन तुमको नहीं मिलेगा। कठोर फरमान था, पुराने जमाने की कहानी है, 50-60 साल पहले की या उसके भी पहले की। तो उस वक्त पिता का हुक्म घर पे सब मानते थे, डरते भी थे बच्चे। आजकल के जमाने में तो हालात कुछ बदले हुए। तो लड़का बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि अब क्या करूं मैं। तो वो चला गया अपनी माँ के पास, रोने लगा जाके कि मुझे ऐसा ऐसा फरमान पिताजी ने दे दिया, अभी मैं कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ काम खोजूं, अभी एक दिन में मैं कहाँ से पैसा लेके आ जाऊंगा, काम मुझे कौन दे देगा। माता माता ही होती है, तो माता ने 1 रुपया लड़के को दे दिया। अब जिस जमाने की बात मैं कह रहा हूं, 1 रुपया उस वक्त काफी कीमत रखता था। तो 1 रुपया माता ने पुत्र को दे दिया। रात को पुत्र की पेशी हुई पिता के सामने। तो पिता ने पूछा उड़ती हुई निगाह डाल के कि कुछ लाए कमा के। तो लड़के ने कहा हाँ पिताजी लाया, तो लाओ। तो लड़के ने 1 रुपया निकाल कर पिताजी के हाथ में दे दिया। पिता ने देखा कि चलो लड़का कमा के लाया है। तो 1 रुपया लड़के को वापस देते हुए पिताजी ने कहा उसको कि इसको तुम कुएं में फेंक के आ जाओ। पुराने जमाने में कुआं भी बड़ा आम चीज हुआ करती थी परिवार में, मतलब घर है, आंगन है, तुलसी का पेड़ है, तो कुआं भी है स्नान करने के लिए। जल का साधन ज्यादातर उस वक्त कुआं ही हुआ करता था। तो लड़के ने कहा जो आज्ञा। अब आज्ञाकारी पुत्र है, पिता ने कहा कुएं में फेंक दो, लड़के ने जाके वो 1 रुपया कुएं में फेंक दिया। अब दूसरे दिन क्या करे, क्योंकि पिताजी का फरमान था कि रोज कुछ कमा कर नहीं आओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। लड़का दूसरे दिन बहन के पास रो लिया जाके, बड़ी बहन थी, बड़ी बहन का भी दिल पसीज गया। बड़ी बहन ने 1 रुपया निकाल के पकड़ा दिया उसको कि ले आज तू ये दे दे पिताजी। तो वही उसी समय पे फिर पिता के सामने पेशी हुई बेटे की। तो पिताजी ने पूछा आज कमाया, बोला हाँ पिताजी, बोला कहाँ है। तो निकाल के 1 रुपया फिर पिताजी के हाथ में रख दिया। पिताजी ने फिर उड़ती हुई निगाह डाली और रुपया उसको वापस दे के कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंक दो। आज्ञाकारी बालक, वो रुपया भी उसने जाके 1 रुपया कुएं में फेंक दिया। तीसरे दिन अब लड़का कहाँ जाएगा, पहले दिन माता ने दे दिया, दूसरे दिन बहन ने दे दिया। अब चूंकि 1 रुपया उस वक्त कीमती था, तो रोज रोज कहां से कौन देगा, और इस तरह से देगा भी कैसे।
लड़का आज मुश्किल में पड़ गया कि अब मैं कहाँ से पैसा मांगू, कौन दे मुझे। तो वो इसी पेशो पेश में रेलवे स्टेशन चला गया। सचमुच काम खोजने की कोशिश करने लगा कि आज मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं कुछ कमा के घर जाऊं, क्योंकि भोजन मिलना नहीं था। पिताजी ने कह दिया था भोजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। उस वक्त घर में ऐसे ही हुक्म चलते थे और कुछ अच्छे के लिए भी थे ऐसी स्थिति। लड़का स्टेशन में घूमता रहा तो कोई देखा उसने कि वहां कुली अपने सर पे बोझ उठाए लोगों का, यात्रियों का सामान लेके आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति का सामान लड़के ने ऑफर किया कि मैं ले जाता हूं, मतलब कुली का काम किया उसने। अब सर पे बोझ ट्रंक, उस वक्त ट्रंक हुआ करते थे, आजकल की तरह लगेज नहीं होता है, तो लोहे का ट्रंक सर पे उठा लिया, भारी वजन सर पे लेके रेलगाड़ी से प्लेटफार्म से होते हुए बाहर सवारी तक यात्री को उसने पहुंचा दिया। मेहनत की उसने और इस एक बार उसके सामान ले जाने में उसको 4 आने पैसे मिले, 54 मिली उसे उस मेहनत की एवज में। काम उसने कभी किया नहीं था, एक ही बार में वो थक गया, 54 लेके वो घर आ गया। पिताजी के सामने फिर नियत समय पे पेशी हुई उसकी। अब वो पेशी आज थोड़ा लड़का थका भी हुआ था, अनुभवी आंखें पिता की, तो पिताजी ने पूछा आज क्या कमाया तुमने, तो उसने 54 उठा के पिताजी के हाथ में रख दी कि आज मैंने ये कमाया है, इतनी ही इनकम। पिताजी ने रोज की तरह उसे कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंक दो, उसे वापस करते हुए 54 रोज के जैसे फरमान दे दिया कि जाओ कुएं में फेंक दो इसे। अब लड़का गुस्से से फट पड़ा, बिफर उठा, अरे मेरी गर्दन टूट गई ये 54 इनकम करने में, स्टेशन पे कुली का काम किया मैंने, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं और आप कह रहे इसे कुएं में फेंक दूं। पिताजी मुस्कुराए, बोले हाँ बेटा आज ये तू कमा के लाया है, ये तेरी कमाई का पैसा है। तो पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा आज तू कमा के आया है, पिछले 2 दिन तूने कमाया नहीं था, इसलिए तूने बड़ी आसानी से उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन आज चूंकि तूने मेहनत की है और मेहनत से ये 4 आने कमा के लाया है, इसलिए तुझे इस पैसे की कीमत पता चल रही है। कल और परसों 1 रुपया तूने कुएं में फेंक दिया, वो पैसा तूने मेहनत करके नहीं कमाया था, इसलिए उस पैसे की कीमत तुझे नहीं पता थी, आज 4 आने की कीमत तुझे समझ में आ रही है, और चूंकि तू कमा के लाया है इसलिए ये पैसा तेरे से फेंकते नहीं बन रहा है। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, मौका मिला आज मैंने ये कहानी सुना दी आप लोगों को, और जिस परिप्रेक्ष्य में सुनाई अब वो परिप्रेक्ष्य भी बताता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने का ग्रुप की घोषणा की, वीडियो में मैंने फीस बताई भी है, तो एक व्यक्ति का मैसेज कमेंट आया वहां कि क्या ये फ्री ग्रुप है, तो मेरी हंसी निकल गई। एक्चुअली फ्री ग्रुप है, फ्री क्यों खोजते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। हर आदमी का एक पेशा होता है, जैसे मेरा ज्योतिष प्रोफेशन है और मैं सालों से कर रहा हूं, 2 दशक हो गए मुझे इस काम में, और जहां तक मेरा अनुभव है कि ज्योतिष शास्त्र में शास्त्र नियम के अनुसार भी गुरु दक्षिणा का प्रावधान है, और कुंडली अगर कोई दिखवाता है तो वहां भी दक्षिणा का प्रावधान है। शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दक्षिणा अगर नहीं देते हैं आप तो ज्योतिष का फलित फलित नहीं होता। यानी किसी व्यक्ति ने कुंडली देख के कहा कि आपके साथ ये अच्छा काम होने वाला है, लेकिन वो जातक अगर दक्षिणा देने से नकर जाता है या पीछे हट जाता है तो उसको जितनी सफलता मिलनी थी उतनी नहीं मिलती है। अब कोई निंदक कमेंट कर सकता है कि आप बरगला रहे हैं या फीस के लिए या ऐसा, लेकिन ये सत्य बात है।
जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी चीज की कीमत पता नहीं चलती है। ज्ञान भी अगर आप लेते हैं बिना दक्षिणा किए, ज्ञान अगर आप ले लेते हैं तो वो ज्ञान आपके काम भी नहीं आता और आप उस ज्ञान की कीमत भी नहीं समझते। ये सत्य है। वो कुएं में फेंक के आ जाने वाली स्थिति बनती है यहां पर। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के नाते फ्री का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। और मैं यहाँ आक्षेप भी करता हूं और मुझे अफसोस भी होता है कि फ्री की चाहत इतनी ज्यादा है क्यों लोगों के अंदर। राजनीति पे मैं नहीं बोलता अपने YouTube वीडियोस में, लेकिन राजनीति में भी आप देख लीजिए, फ्री बीस दे के चुनाव जीते जाते हैं। लोगों को फ्री चाहिए, बिजली पानी सब फ्री मिल जाए, हमें पैसा ना देना पड़े हमें। खैर छोड़िए, ये इस किस्से में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बहुत कर्म चक्र जिसे कहते हैं ना, एक बहुत सरल सा नियम, एक सरल सा फार्मूला आप समझ लीजिए। आप पाने के भी अधिकारी नहीं बनते हैं अगर आपके अंदर देने का मादा नहीं है। तो ईश्वर के पास हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर देते नहीं है तो आपको मिलता भी नहीं है। ये चक्र इसी तरह चलता है। पुरानी फिल्मों में एक गीत था जिसमें एक लाइन थी ऐसी कि उसमें कहा गया कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो एक्चुअली ये हकीकत है। खेत में आप बीज डालते हैं तो एक बीज एक पेड़ के रूप में आपको वापस मिलता है। यही कर्म चक्र है। तो ज्योतिषीय अध्यात्म जिनका प्रिय विषय है, ज्योतिष को जो समझते हैं, कर्म चक्र को जो समझना चाहते हैं, वो लोग ये भी समझें कि फ्री के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप फ्री ले भी लेते हैं तो उसका देना जो है आपको किसी दूसरे मार्ग से दे देना पड़ता है। ये एकदम शाश्वत सत्य है। जो मैच्योर्ड एज के हो चुके हैं वो इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। मैं एक बात और कह के वीडियो को यहीं समाप्त कर दूंगा कि एक व्यक्ति कंजूस था, बहुत कंजूस, क्या कंजूस नहीं था, लेकिन वो लैंडलॉर्ड था, उसके किराएदार थे, उसके साथ उनका झगड़ा पैसे के लिए वो लोगों के साथ झगड़ा करता था। और कहते हैं कि बहुत सी बातें चलती थी उसके बारे में, मैंने लालची वृत्ति या और पैसे के प्रति लालच, बीमारियों में गया पैसा उसका। ऐसे धन का भी क्या फायदा जो भोजन नहीं कर पा रहा है इंसान। तो कर्म चक्र बहुत गहरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कई लोग मुझे कहते हैं बहुत से ज्योतिषियों के हमने दिखा दिया, तो वो आपका ऋण था, आप चुका रहे हैं। एकदम सीधी सपाट बात बोल रहा हूं, वो ऋण था आप जो चुका रहे हैं, आप दे नहीं रहे, वो ऋण जा रहा है, आपको चुकाना है, कहीं ना कहीं चुकाना है, किसी ना किसी तरीके से चुकाना है। यही कर्म चक्र है। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।